मुंबई अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ बेहद सुंदर शहर, सिटी ऑफ ड्रीम के नाम से मशहूर यह शहर, यहाँ हर कोई अपने सपनों की तलाश में आना चाहता है। और माया नगरी पहुँचने का सबसे आसान तरीका है हमारी भारतीय रेलवे। जी हाँ दोस्तों, इसी भारतीय रेलवे का बेहद सुंदर रेलवे स्टेशन हमारे मुंबई शहर के बीच में स्थित है, जिसका नाम है लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स, जिसे पहले कुर्ला टर्मिनल्स के नाम से भी जाना जाया करता था। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अभी फिलहाल लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स कुर्ला। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स का स्टेशन, और इस स्टेशन को आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं और देखने वाला हूं इस स्टेशन में कौन सी खास बात है और कौन सी सुविधाएं अवेलेबल है आम पैसेंजर्स के लिए। और जो भी डिटेल्स और जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं स्टेशन की खास बातें। अगर हम बात करते हैं स्टेशन की, तो ये स्टेशन ओपन हुआ था 1991 में, और तब से आज तक ये स्टेशन बड़ी शान से इंडियन रेलवेज़ में कार्यरत है। और इसमें लॉन्ग डिस्टेंस जाने वाले ट्रेन पूरे भारतवर्ष में यहीं से जाती है। तो कौन सी ट्रेन जाती है उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मेरे इंस्टाग्राम आईडी puneri.backpacker पर मैं डालते रहता हूँ, तो मुझे फॉलो कीजिए आप इंस्टाग्राम आईडी पर puneri.backpacker। तो चलते हैं अभी स्टेशन के अंदर और देखते हैं क्या कुछ खास बातें स्टेशन की। दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन बाहर से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे रात में आते हो तो इसका नज़ारा कुछ और ही होता है। तो फिलहाल हम चल रहे हैं अभी सिक्योरिटी चेक से। सिक्योरिटी चेक क्रॉस करते ही थोड़ा आगे चलते ही हमें दिखाई देता है एक बहुत ही सुंदर सा वॉलपेपर, जो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स मुंबई रेलवे स्टेशन का। आप ये नज़दीक से देख सकते हैं कितना सुंदर है। अभी फिलहाल चलते हैं आगे। राइट साइड में यहाँ पे स्टेशन मैनेजर का ऑफिस है, और थोड़ा सा आगे चलते ही हमें नज़र आता है एंट्री पॉइंट, जहाँ से सीधा आपको एंट्री मिलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या कुछ खास बात है। यहाँ पे है अनरिजर्व टिकट काउंटर, जहाँ से आप अनरिजर्व टिकट्स ले सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते ही आपको मिलेगा यहाँ पे वाटर टैप, यहाँ पे आप पानी पी सकते हो, और बाजू में ही टॉयलेट भी है। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, चलते ही हमें दिखाई देंगे स्टेयरकेस से ऊपर चलते ही यहाँ पे अवेलेबल है रिटायरिंग रूम्स, और सामने है सेल्फ टिकटिंग जोन, जहाँ से आप ATVM मशीन से खुद टिकट निकाल सकते हो। अभी सामने रिटायरिंग रूम, इंक्वायरी तथा करंट रिजर्वेशन के काउंटर्स अवेलेबल है। अभी चलते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पे फिलहाल कुछ भीड़ नजर आ रही है, लेकिन सामने यहाँ पे देख सकते हैं यह है रिजर्वेशन काउंटर, यहाँ पे आप अपना रेलवे का टिकट रिजर्वेशन का निकाल सकते हो। तो आगे चलते हैं, सामने जो आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है ये सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर है IRCTC का जनहार होटल। देखते हैं जनहार होटल कैसा है। तो फिलहाल यहाँ से एंट्री पॉइंट है, आगे चलते ही हमें जनहार होटल का इंटीरियर दिखाई दे रहा है। होटल बहुत ही शानदार है दोस्तों, मैंने एक नीर की बोतल ली है, 15 रुपए की बोतल है। दोस्तों अभी हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 बहुत ही शानदार है दोस्तों, और यहाँ पे फिलहाल कोई ट्रेन नहीं है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ कम है। और चलते हैं अभी आगे। यहाँ पे अगर आप बोर्ड देख पा रहे हैं तो मेरे राइट साइड में यहाँ पे स्लीपर क्लास के लिए वेटिंग रूम है। अगर आपके पास स्लीपर क्लास का कंफर्म टिकट है तो 2 घंटे पहले आप यहाँ पे आकर इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे है एस्केलेटर्स, हम यूज करेंगे अभी इस एस्केलेटर को, और चलते हैं ऊपर फुट ओवर ब्रिज पर, और फुट ओवर ब्रिज से देखते हैं नज़ारा स्टेशन का। और सामने से आप देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुल सीन है, आप देख सकते हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो अभी चलते हैं आगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ, और आगे की जो सीढ़ियाँ है वो यूज़ करके हम जाएंगे नीचे, और सीढ़ियाँ भी बहुत ही साफ सुथरी है दोस्तों। हमारे राइट साइड में जो ट्रेन है वो है 16345 लोकमान्य तिलक तिरुवनंतपुरम नेत्रावती एक्सप्रेस, जो अपने LHB रेक के साथ बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है दोस्तों चलते हैं अभी आगे। सामने से जो ट्रेन आ रही है वो है 13201 राजेंद्र नगर से चलकर मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स आने वाली
जनता एक्सप्रेस है और इसके एलएच ब्रेक्स बहुत ही शानदार है दोस्तों। और खास करके जो सामने वाला 3 टायर एसी का कोच है वो भी बहुत ही शानदार है। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ खास बात है इस स्टेशन की। यहाँ पे सफाई का काम जारी है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये वाटर वेंडिंग मशीन आप देख सकते हैं, यहाँ से आप 5 रुपए में 1 लीटर पानी का बॉटल ले सकते हैं, जो कि आम यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे वाईफाई की सुविधा आपको मिलती है तथा वाटर टैब्स है, यहाँ पे फ्री में पानी ले सकते हैं। ये सब सुविधाएं आपको इस स्टेशन पर अवेलेबल है। तो अभी चलते हैं आगे और यूज करते हैं इन सीढ़ियों को और वापस चलते हैं फुट ओवर ब्रिज के पास। और फुट ओवर ब्रिज चढ़ते ही हम जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 4 और प्लेटफॉर्म नंबर 5 के पास। यहाँ से इन सीढ़ियों को यूज करके अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ। और अभी हम आ पहुंचे प्लेटफॉर्म नंबर 5। सामने दिखाई दे रहा है WDP 4D लोकोमोटिव, जो बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ। और यहाँ पे लोगों की भीड़ बहुत ही ज्यादा है क्योंकि ये रुके हुए है पवन एक्सप्रेस के लिए, जिसका नंबर है 11061, जो चलती है लोकमान्य तिलक टर्मिनल से दरभंगा जंक्शन के बीच। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी के अंतर्गत जनरल डिब्बो में अगर आप सफर कर रहे हैं तो आपको पहले आना होता है, तो आपको पहली सीट मिलती है। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कौन सी ट्रेन आने वाली है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अभी आ चुकी है कामयानी एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 11071, जो चलती है लोकमान्य तिलक टर्मिनल से और वाराणसी जंक्शन के बीच में। और इसके LHB रेक्स बहुत ही शानदार है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ID puneri.backpacker पर। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।